Good morning, I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will read about the chapter 2nd, measurement and units. Okay, let we read. Measurement in everyday life, measurement of mass, measurement of volume, measurement in everyday life like measurement of length, measurement of temperature. Okay, these are the measurements we have to do in, in your daily life. Right? तो हम इसमें क्या चीज़ रीड करते हैं तो कि मेजरमेंट कितना ज़रूरी है नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द नीड फॉर मेज़रमेंट इन फ़िजिक्स फ़िजिक्स में इसका क्या रोल है टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सही बात है किसी भी फिनोमिना को मतलब अंडरस्टेंड करने के लिए फ़िजिक्स में क्या चाहिए हमें परफॉर्म एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने पड़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट्स एंड वी मेज़र सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ मास टाइम टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा ओके तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मेजरमेंट्स करनी पड़ जाती है लाइक लेंथ मास टाइम ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं तो इसलिए हमें ज़रूरत है तो एक्सपेरिमेंट वेरीफिकेशन ऑफ लॉज एंड थियोरीज ऑल्सो नीड्स मेजरमेंट ऑफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ओके तो हमें अगर किसी चीज़ का वेरीफिकेशन करना है लॉज़ या थ्योरी का तो उसके लिए भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे तो दीज आर द नीडनेस ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स नेक्स्ट वन वट इज़ फिजिकल क्वान्टिटी तो मेजरमेंट में सबसे पहली बात आती है कि क्वान्टिटी जिसको हमने मेज़र करना है तो फिजिकल क्वान्टिटीज़ क्या होती है तो अ फिज़िकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब बाय अ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वान्टिटी ओके okay, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसे स, या किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं और उसे हम एक नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास ऑफ अ पर्सन इज सिक्सटी फाइव ओके सो सिक्सटी फाइव मास मास इज सिक्सटी फाइव मास इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ ऑफ अ टेबल इज़ थ्री थ्री मीटर तो लेंथ इज अ फिज़िकल क्वांटिटी एरिया ऑफ अ हॉल इज हंड्रेड मीटर स्क्वायर सो एरिया इज़ अ फिजिकल क्वान्टिटी टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज थ्री हंड्रेड कैलवीन सो टेम्परेचर आर इज अ फिजिकल क्वान्टिटी ओके सो नेक्स्ट वी रीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी लाइक टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सो फर्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वान्टिटीज ओके वैसे तो थ्री टाइप्स की होती है लेकिन बेसिकली टू टाइप्स की हम लेकर चलते हैं और थर्ड टाइप जो है हमने उसको अलग डिस्क्राइब किया है ना तो वो अपने अलग पड़ेंगी सो बेसिकली टू टाइप ऑफ क्वांटिटी वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी द फिज़िकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती मेज़रमेंट के लिए तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं लाइक मास मास को मेज़रमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है लेंथ लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए नहीं है टाइम के लिए नहीं है टेम्परेचर के लिए नहीं है इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे एरिया है एरिया अगर हमने मेज़र करना है तो हमें लेंथ इंटू ब्रर्थ लाइक हमें ये दो चीज़ें चाहिए ना तो हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लेंथ की ब्रथ की है ना तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये डिपेंड कर रहा है बट जो क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए और किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी इज़ नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी भी बोल सकते इसको ओके नेक्स्ट वन तो इसको बेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं ना बेस क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं नेक्स्ट वन डिराइव क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज का एग्जांपल जैसे मैंने एरिया लिया था द फिज़िकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वान्टिटीज ऑफ देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज डिराइव क्वान्टिटीज तो जो किसी एक और एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ पर डिपेंड करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं डिराइव क्वान्टिटीज़ यानी हम उसको डिराइव करते हैं तो डिराइव क्वान्टिट्टीज़ एरिया का एग्जाम्पल हो गया वॉल्यूम एल इन बी इंटू एच है ना इसी तरीके से स्पीड हो गया स्पीड इज इक्व टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना सो डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है इसी तरीके से मास इन टू एक्सेलेशन भी आगे एक डिराइव uh, क्वांटिटी है क्योंकि एक्सेलेशन स्पीड पे स्पीड और टाइम पे डिपेंड करता है फिर स्पीड भी एक क्या है एक डिराइव uh, क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है ओके सो दीज आर द डिराइव क्वांटिटीज नेक्स्ट वन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अब किसी भी फिजिकल क्वान्टिट्टी की अपनी एक यूनिट होती है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि सपोज करो कि यूनिट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है है ना तो यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखा हुआ द स्टैंडर्ड यूज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी इज कॉल्ड अ यूनिट ओके तो जितनी फिजिकल क्वान्टिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही उसको मेज़रमेंट करने के लिए यूनिट की ज़रूरत है क्लियर तो एक स्टैंडर्ड होता है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू uh, है जो हम यूनिट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि जैसे सपोज करो कि आज हम एक uh, एक नॉर्मल स्टोर पर जाते हैं और उसको यूँ बोलते हैं कि मुझे एक चीनी दे दो ठीक है या फिर एक दाल दे दो तो वो देगा नहीं देगा क्योंकि एक का मतलब तो कुछ भी नहीं निकलता एक का तो मतलब एक बीस हो सकता है या कुछ हो सकता है तो हम उसको बताएंगे कि वन के जी वन के जी शुगर यू हैव टू गिव मी ओके वन के जी दाल यू हैव टू गिव मी ओके okay, तो इस तरीके से हम उसको बताएंगे सो के जी इज इम्पोर्टेंट हेयर ओके एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ मास इट इज़ द यूनिट ऑफ मास सो मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड के जी इज इट्स यूनिट तो मास मतलब फिजिकल क्वांटिटी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने कि उसकी यूनिट भी तो so, यूनिट भी उसकी इंपॉर्टेंट होगी ठीक है तो यूनिट के विदाउट जो है हम उसके निमेरिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते सो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर क्या होगी के जी क्लियर इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होगी मीटर फुट इंच फॉर द लेंथ किलोग्राम पाउंड फॉर द मास ओके सेकेंड मिनट आर फॉर द टाइम फॉर एंड हाइट कैलविन फॉर द टेम्परेचर दीज आर द सम यूनिट्स ओके नेक्स्ट वन पहले मैं एक बात बता दूँ द यूनिट्स आर ऑल्सो डिवाइड इन टू टाइप्स ओके जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इनटू टू टाइप्स वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूनिट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड वन इज डिराइव क्वांटिटीज़ यूनिट इज नॉन एज नॉन एज डिराइव यूनिट्स क्लियर नेक्स्ट वन कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ यूनिट अब यूनिट की क्या क्या करेटिस्टिक्स हैं वो देख सकते हो वेल डिफाइंड मतलब हमें पास यूनिट डिफाइन करने के लिए क्या क्या उसके पास करेटिस्टिक्स होने चाहिए ठीक है जब हम यूनिट देते हैं तो वेल well डिफाइंड पहली बात तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल और मतलब यूजेबल होनी चाहिए सेकेंड थिंग यू सुटेबल साइज़ ओके मतलब एक सुटेबल साइज़ की होनी चाहिए कि बहुत बड़ी भी नहीं हो और बहुत छोटी भी नहीं हो क्योंकि देखो अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट्स भी होती हैं ना तो हमारे जिस मेज़रमेंट के लिए मान लो हम किसी आ, स्केल की लेंथ नोट कर रहे हैं तो हमें सेंटीमीटर या मीटर की सेंटीमीटर्स बहुत हैं अगर हमें किसी गेट का लेंथ या फिर वॉल का लेंथ मेजरमेंट करना है तो फुट बहुत है या मीटर बहुत है है ना तो अगर हमें किसी रोड का लेंथ मेजरमेंट करना है तो किलोमीटर बहुत है तो इस तरीके से हम अलग अलग साइज़ को देखेंगे उसके बाद वी प्रोड्यूसीबल uh, ओके okay? मतलब ये है कि किसी और क्वांटिटी मतलब किसी और क्वांट जिस भी से हम उसको मेजरमेंट कर पाए है ना रिप्रोड्यूस कर पाए है ना इसी तरीके से इनवेरीबल यानी अलग अलग जगह है उसका वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए यहाँ पर वन मीटर है इंडिया में तो वही सेम लेंथ जो है वो यू एस में भी वन मीटर होना चाहिए तो इनवेरिएबल नहीं होना चाहिए उसके बाद इन इन डस्टिक्टेबल है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वो आ, मतलब टूटने वाली नहीं होनी चाहिए एक तरीके से हम उसको मतलब अलग पार्ट्स में नहीं तोड़ पाए मिनिमम वैल्यू एक जो है हमारे पास बन जाए एक फिक्स मेजरमेंट के लिए इसी तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मतलब हर जगह उसका क्या हो स्टैंडर्ड हो मतलब हर जगह उसको मानने लायक हो नेक्स्ट वन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओके तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं सी जी एस एम के एस और एफ पी एस तो फर्स्ट इज सी जी एस सी मीट मीन्स सेंटीमीटर जी मीन्स ग्राम, ओके सी मीन्स सेंटीमीटर जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड ओके तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट इज बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम तो ये फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में है ना तो इन तीनों का हमने बता दिया नेक्स्ट पम के एस यूनिट ओके एम के एम सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास है मास सॉरी एम का मतलब हो गया हमारे पास क्या होगा uh, जो मीटर और के का मतलब होगा किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड क्लियर दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस फ्रांस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट इज बेस्ड ऑन द मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम क्लियर नेक्स्ट वन एम के एस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आपको पता ही है नेक्स्ट वन एफ पी एस दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट इज बेस्ड ऑन फुट पाउंड एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल तो एफ मीन्स फुट पी मीन्स पाउंड एंड एस मीन सेकेंड क्लियर नेक्स्ट वन अब ये तीनों जो यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी तो स्टार्टिंग में ये चलती थी बाद में क्या हुआ इंटरनेशनल स्टेज पर एक फिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया जिसकी कुछ कुछ यूनिट जो है वो एम से मिलती जुलती है तो वो हमारे पास है एस सिस्टम ऑफ यूनिट इट मीनस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं इसको ना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी एक ही बात है इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इट्स मीटिंग एंड डिसाइड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर द इंटरनेशनल इजेज ओके तो जो वेट एंड जो कॉन्फ्रेंस यूज हुआ कॉन्फ्रेंस बना हुआ किसके ऊपर वेट एंड मेजरमेंट का तो इसका एक इन्वेस्टिगेटरी ब्यूरो है जिसको हम बोलते हैं आई बी डब्ल्यू एम ओके आई बी डब्ल्यू एम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ़ सॉरी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ओके तो वहाँ पर इसका डिस्कशन हुआ और उसके बाद सभी को एक जैसा बनाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्क्राइब किया 1971 में दैट इज़ एसआई सिस्टम दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एब्रेटिड एज एस फ्रॉम इट्स फ्रेंच नेम ओके तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से इसका बना है द एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो मैं बता रहा था कि थ्री टाइप्स होते हैं ठीक है क्वांटिटीज़ के उसके बेसिस पर ये है ना कि मतलब फंडामेंटल हो गया फिर उसके बाद डिराइव हो गया फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स भी होते हैं तो उसको हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि अभी हम नॉर्मली टू टाइप्स बोलते हैं तो टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर और सेवन फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर नाउ वी हैव टू रीड अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ सेवन फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके तो लेंथ का जो यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर सिंबल एम किलोग्राम मास का के जी टाइम सेकेंड एस टेम्परेचर कैलविन के एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट ए और कैंडेला सी डी मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मॉल ओके इन सभी में आप सभी लेंथ को जानते हो मास को जानते हो टाइम टेम्परेचर ओके इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपने मोल पढ़ाई है मोल कॉन्सेप्ट वगैरह तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जब छोटे छोटे पार्टिकल्स की हम बात करते हैं वो उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक तरीके से लाइट इंटेंसिटी ऑन अ पर्टिकुलर एरिया वो हम लेते हैं वो दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना तो वो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वन तो आपको ये याद कर लेनी है सेवन बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके सेवन यूनिट्स नेक्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ मीटर डेफिनेशन ऑफ मीटर तो इन सभी जो यूनिट्स हमने पीछे देखी ना उन सेवन यूनिट्स का अपना एक स्टैंडर्ड है अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कहाँ पर आई बी डब्ल्यू एम तो वो जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन सभी के लिए बताई है वो हमें देखनी है कि क्या होती है ना तो वो आपको पता है द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ वन अपॉन ट्वेंटी नाइन सॉरी दिस वैल्यू ओके ऑफ अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड का इतने पार्ट में इतने छोटे एक सेकेंड के भी इतने छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे जितनी लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर दैट इज नोन एज वन मीटर ओके नेक्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम द किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम एंड इरीडियम अलॉय ओके प्रिजर्व एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ओके एज एट सर्व नियर पैरिस ओके मतलब ये आपको बत, मैंने बताया था वेट एंड मेजरमेंट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट तो वो सर्व कहाँ पर कर रहा है पेरिस के पास है ये तो उसके वहाँ पर हमारे पास एक प्लेटिनम और इरीडियम का एक अलॉय का सिलेंडर रखा हुआ है उस सिलेंडर प्रोटोटाइप सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो नेट वेट है दैट इज़ वन किलोग्राम ओके तो हम उसी से कंपेयर कर लेते हैं अगर कोई उसका टू मल्टीपल है उस किसी का मास उसका टू मल्टीपल है दैट इज टू के जी अगर थ्री मल्टीपल है थ्री के जी अगर हाफ मल्टीपल है तो हाफ के जी नेक्स्ट वन ये आपको दिया हुआ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय ओके ये इसी चैम्बर में रखा हुआ है संभाल के और एक ये हो गया ओपनली रखा हुआ है नेक्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ वन सेकेंड वन सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय दिस ऑसीेशन्स ऑफ द लाइट इमिटेड बाय एक सीजीएम 133 थर्टी एटम तो सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं इसको ना सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं इससे हमने वन सेकेंड मेजरमेंट किया तो सीजीएम का हमें आइसोटॉप लेना वन थर्टी थ्री एटम हमने लेना उसका और वो वन सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कम्प्लीट कर लेता है इतने तो इसके सी जी एम के वन थर्टी थ्री आइटम जितने ऑसिलेशन इतने ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं दैट टाइम इज़ नोन एज वन सेकेंड इसी तरीके से बाकी फोर डेफिनेशन भी हैं सेकेंड की अपनी डेफिनेशन होगी इसी तरीके से टम्परेचर यानी कैलविंग की अपनी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक करंट यानी एमपियर की अपनी एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला की अपनी एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक मॉल की भी अपनी एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है नेक्स्ट वन टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स है ना तो ये हमने पहले भी पढ़ा मैंने भी बताया था तो रेडियन रेडियन हमारे पास है और ये किसकी क्वांटिटी है प्लेन एंगल की तो प्लेन एंगल इज़ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज़ प्लेन एंगल एंड इट्स यूनिट इज रेडियन तो ये आपने पढ़ा हुआ है टेंथ में तो इसके अंदर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल है ना एंड इट्स यूनिट इज वन रेडियन वन रेडियन हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग पाई रेडियन या टू पाई रेडियन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ऐसा यूनिट सिस्टम में हम एंगल को इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे रेडियन में नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन हमारे पास है सेकेंड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दैट इज सॉलिड एंगल और इसको थ्री डी एंगल भी बोलते हैं प्लेन एंगल जो था उसको टू डी एंगल भी बोलते हैं और इसको थ्री डी एंगल भी बोलते हैं ना सॉलिड एंगल हो गया या थ्री डी एंगल हो गया तो उसका मीनिंग क्या है उसका यूनिट तो स्टे रेडियन है इट इज़ यूज टू मेजर सॉलिड एंगल है ना और इसका ऐसा यूनिट स्टे रेडियन हो गया तो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है है ना हम क्या करते हैं कि उसमें तो एक आर्क होता है आर्क जो होता है सेंटर पे जितना एंगल क्रिएट करता है वो एंगल प्लेन एंगल हो गया यानी टू लाइंस के बीच में इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है ना तो इसमें बहुत सारी लाइंस हो जाएगी लाइक ए सॉफ्टी कॉन के अंदर हमारे पास क्या है कि ऊपर का जो सर्कल है वो एरिया मान लो और नीचे जो पॉइंट है उसके ऊपर एंगल क्रिएट हो रहा है तो बहुत सारी इन्फिनेट लाइन जो है उसके पास पहुँचेगी ना तो द एंगल बिटवीन दैन दैट थ्री एंगल इज नॉन एज एंगल और मेजरमेंट ऑफ इट स्ट्रेट है ना तो मैक्सिमम जैसे मतलब आपको पता है कि प्लेन एंगल जो होता है उसका मैक्मम वैल्यू होता है टू टू पाए है ना मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद उसका एंगल कितना होता है टू पाए ये पता है ना एक सर्कल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वापिस आ जाता है तो उसका एंगल टू पाए तो दो सर्कल सर्क करिएगा तो फोर पाई हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग और इसमें क्या होता है सॉलिड एंगल में एक सर्कल की जगह हम बोलते हैं कि एक स्पेयर वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है एक जो रहता है तो वो जो हो गया तो वो हमारे पास एंगल कितना होगा पाई पाई रेडियन इज द एंगल सॉलिड एंगल ऑक्यूपाइड ऑन द सेंटर ऑफ अ ऑफ अ अर ओके बाय इट्स सरफेस क्लियर तो ये हमारे पास हो गया इसका एक और एग्जाम्पल ले है सकते हैं वॉटरमेलन में से हम ऊपर से एक स्क्वायर पीस कट करते हैं तो नीचे की तरफ वो क्या होता है एक कौन टाइप बन जाता है ना तो उसके सेंटर पे बना हुआ एंगल हो सकता है क्लियर तो इस तरीके से हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वन रूल्स ऑफ राइटिंग ऐसा यूनिट तो अब रूल्स क्या क्या है हमारे पास ऐसा यूनिट को लिखने की तो वो देख लो सबसे पहले फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन ओके अगर हम कहीं पर भी यूनिट का फुल नेम लिखते हैं लाइक like न्यूटन तो हमने ये नहीं ध्यान रखना कि वो किसी पर्सन यानी किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो भी उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए फर्स्ट लेटर बिग नहीं होना चाहिए ये सभी यूज़ नहीं होंगे है ना तो इसका मतलब स्मॉल होना चाहिए तो राइट वे इज़ दिस टू राइट एनी यूनिट क्लियर फुल नेम अगर आप लिख रहे हैं तो यूनिट का नेक्स्ट वन ऐसे यूनिट के रूल्स हैं ये नेक्स्ट वन अगर हम किसी सिंबल को लिख रहे हैं है ना और नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर अगर हम इसे सिंबल को लिख रहे हैं जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो हमें उसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है ठीक है लाइक न्यूटन एन कैलविन के एम्पीय कैपिटल ए कुलम्स कैपिटल सी दीज आर द नेम्स। थर्ड रूल सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स मतलब सिर्फ साइंटिस्ट के नेम का ही अगर एक वर्ड हम लिख रहे हैं यूनिट की फॉर्म में न्यूटन का एन लिख रहे हैं तो कैपिटल लिखना है उसको है ना तो इसमें क्या कह रहा है कि अदर देन साइंटिस्ट नेम है तो इट मीन्स वो हमने स्मॉल लेटर में लिखना लाइक मीटर मीटर जो है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो स्मॉल एम सेकेंड स्मॉल एस किलोग्राम स्मॉल के जी और कैंडेला स्मॉल सी डी है ना ज़्यादा था फोर्थ रूल फोर्थ रूल इज वन स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमरल एंड द सिम्बल ऑफ़ अ यूनिट ओके मतलब दोनों जो हैं इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए है ना मतलब यूनिट और न्यूमेरल के बीच में एक स्पेस होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आप स्पेस ना छोड़ो तो इट इज़ रॉन्ग नेक्स्ट वन फाइफ फाइफ वो कह रहे हैं कि द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स मतलब कोई भी यूनिट जो है उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी है जैसे हम लिख देते सिक्स मीटर्स मीटर्स नहीं होता सिक्स मीटर फोर्टीन किलोग्राम्स किलोग्राम्स नहीं किलोग्राम ट्वेंटी सेकेंड्स नहीं ट्वेंटी सेकेंड्स नहीं ट्वेंटी सेकेंड एटीन कैलवीस नहीं एटीन कैलविन सो दीज आर द रोंग ओके नेक्स्ट वन सिक्स्थ रूल फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज आफ्टर द यूनिट मतलब किसी भी यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है जैसे मान लो कि हमारी हैबिट होती है हम ऐसे लिख देते हैं सेवन मीटर डॉट लगा दिया लास्ट में तो गलत है स्टेटमेंट में आया तो अलग बात है लेकिन ऐसे नहीं करना है ना तो दीज आर दैक्स्ट सेवेंथ रूल सेवेंथ रूल इज नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिम्बल फॉर द यूनिट्स मतलब जैसे मान लो कि दो यूनिट से मिलकर किसी की एक बनी है ड्राइव यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं तो जूल इंटू सेकेंड है तो जूल इंटू सेकंड के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है न्यूटन इंटू मीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है वोल्ट इंटू एम्पियर के बीच में कुछ नहीं छोड़ना है तो ये सभी हमारे पास होगी है ना तो ये सभी रॉन्ग है इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वन एस आई प्रिफिक्स तो एस आई प्रिफिक्स जो है हमारे पास कुछ एक देख लीजिए तो फैक्टर हैं टेन टू पावर ट्वेंटी फोर अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं योटा ओके अगर टेन टू पावर ट्वेंटी वन है तो जेटा टेन टू पावर एटीन एक्सा ओके और टेन टू पावर फिफ्टीन पेटा और टेन टू पावर ट्वेल्व टैरा टेन टू पावर नाइन गीगा टेन टू पावर सिक्स मेगा टेन टू पावर थ्री किलो ठीक है है तो ये सिंबल है, मतलब कहीं पर हम लिखते हैं तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे हम लिखते हैं ना जैसे गेगा मेगा के बारे में तो आपने सुना किलो जैसे टेन रिस्ट पाव थ्री है तो किलोग्राम हम बोल देते हैं टू किलोग्राम मतलब टू थाउजेंड टू थाउजेंड है ना टू थाउजेंड ग्राम टू किलो किलो का मतलब 10 3, 1000 मतलब है ना तो इस तरीके से ये सभी हैं तो देख सकते हो इनके सिंबल y, z, e, p, t, g, m, k, h, d A. देख लेना इसमें से तो स्टार्टिंग ये हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं है ना? और उसके बाद सारे कैपिटल लेटर्स हैं उसके बाद नेक्स्ट वन फैक्टर फैक्टर अगर टेन पर माइनस में है ना माइनस वन तो डेसी बोलते हैं डेसी डेसी मीटर है ना डेसी मीटर हो गया है ना तो वो सब टेन पर माइनस वन इसी तरीके से टेन पर माइनस टू है तो सेंटी टेन पर माइनस थ्री मिली टेन एज पर माइनस सिक्स माइक्रो टेन एज पर माइनस नाइन नैनो टेन पर माइनस ट्वेल्व पिको, टेन एज पर माइनस फिफ्टीन फैमटो टेन एच पर माइनस एटीन एटो ठीक है और टेन पर माइनस ट्वेंटी वन जेप्टो, और ये टेन एच पर माइनस ट्वेंटी फोर तो ये सभी हो गए इनके सिंबल भी है डी सी एम म्यू ठीक है इसको म्यू बोलते हैं और एन पी एफ ए जेड वाई सभी स्मॉल लेटर्स में क्लियर नेक्स्ट वन तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो ये एग्जांपल्स हैं जैसे थ्री मिली एम लिखा है हमने तो थ्री एम ए थ्री इंटू टेन रेज पावर माइनस थ्री एम इसी तरीके से माइक्रो वोल्ट लिखा है तो टेन रेज पावर माइनस सिक्स नैनो सेकेंड एन लिखा है कहीं पर तो टेन रेज पा माइनस नाइन पिकोमीटर लिखा है तो टेन डिज पावर माइनस ट्वेल्व मीटर पी एम लिखा ना और किलोमीटर यानी ये लिखा है तो इसका मतलब फाइव इंटू टेन डिज पावर थ्री मीटर मेगा वॉट लिखा है तो इसका मतलब कैपिटल एम डब्ल्यू लिखा होगा और जिसका मीनिंग होगा टेन डिज पावर सिक्स वाट ये सब कुछ याद रखना है ना तो ये यूज होगी इसकी इसी तरीके से हम देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ सबसे पहले माइक्रोन टेन पर माइनस सिक्स मीटर होता है तो माइक्रोन हम बोलते हैं ना स्मॉल माइक्रोन की ऑर्डर का है तो माइक्रोन दैट मीन टेन पर माइनस सिक्स मीटर तो बैक्टीरियाज इसी ऑर्डर के होते हैं वन नैनोमीटर टेन एच पर माइनस नाइन मीटर तो मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो चीज़ मतलब उनका डायमीटर भी इसी ऑर्डर का होता है नेक्स्ट वन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ और भी देख लेते हैं तो आंक्स्ट्रोम टेन पर माइनस टेन मीटर एटम हो गया और फर्मी टेन पर माइनस फिफ्टीन मीटर हो गया न्यूक्लियस ठीक है तो ये इसका मतलब है आंकस्ट्रोम भी एक यूनिट है टेन पर माइनस टेन मीटर जो कि हमारे एटम की अप्रोक्स रेडियस होती है इसमें और वन फेमटोमीटर या फर्मी जो होती है टेन एच पाव माइनस फिफ्टीन मीटर जो कि न्यूक्लियस का डायमीटर होता है ना अप्रॉक्स तो उसके बाद देखो और भी है हमारे पास बड़ी यूनिट्स में देखें छोटी यूनिट्स थी तो लेंथ की बड़ी यूनिट्स में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स देख लो इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्व टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन और इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फाइव इंड टेन एच पावर इलेवन मीटर वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इंच पाव इलेवन मीटर तो ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस है ओके मीन डिस्टेंस है क्योंकि जो भी अर्थ होती है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है कभी वो इसके पास होती है और कभी इससे दूर होती है तो इसका मतलब मीन डिस्टेंस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इंच पाव इलेवन मीटर तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है इतनी वैल्यू नेक्स्ट वन हमारे पास लाइट ईयर है उससे बड़ी यूनिट हमारे पास लाइट ईयर है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर लाइट ईयर का मतलब ये पता तो लग गया कि लाइट जो है वो वैक्यूम में वन ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर वन लाइट इज इक्व होता है नाइन पॉइंट फाइव इंट एच पा फिफ्टीन मीटर ठीक है तो डिस्टेंस ऑफ स्टार के लिए हम इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन एक और इससे भी बड़ी यूनिट है पार्सिक पार्टस जो है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ वन ए यू एस्ट्रोनोमिकल यूनिट सब एन एंगल ऑफ वन आर्क सेकेंड ये आर्क सेकेंड वाला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो यानी एक डिग्री का भी एक डिग्री का भी थर्टी सिक्स हंड्रेड पार्ट एक डिग्री का भी थर्टी सिक्स हंड्रेड पार्ट जो होता है वो वन आर्क सेकेंड होता है तो ये हमारे पास हो गया जैता कि अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये जितनी डिस्टेंस के ऊपर वन आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगी दैट डिस्टेंस इज नॉन एज दैट डिस्टेंस इज नॉन एज वन पार्सिक और वन पार्सिक की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन इन टू टेन पावर सिक्सटीन मीटर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी ओके सबसे बड़ी यूनिट है जो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं पार्ट से थ्री पॉइंट सिक्सटीन मीटर ओके okay? नेक्स्ट अब हम कुछ और देख लेते हैं कुछ एरियाज की देख लेते हैं तो एरियाज में सबसे पहले एकड़ एकड़ जो है इट इज द इट इज यूज टू मेजर द लार्ज एरिया इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स वन एकड़ टू टू हंड्रेड एट टू uh, हंड्रेड हाँ टू हंड्रेड एट पॉइंट एट है ना लिखा है और उसके अंदर ये सेकंड वो हो गया तो इसका जो इसको लिखने का तरीका है ना ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया क्लियर तो हमारे पास ये है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड सॉरी फोर थाउज़ेंड फोर्टी सिक्स पॉइंट एट मीटर स्क्वायर इतना होता है वन एकड़ के अंदर है ना इसी तरीके से हेक्टेयर है इट इज़ यूज टू मेजर द लार्ज एरियाज़ इन फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में हम हेक्टेयर यूज़ करते हैं तो ये हो गया हंड्रेड मीटर का जो मतलब एक बनेगा स्क्वायर तो उसका जो एरिया है तो वो हो जाएगा टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर बार्न बर्न जो है इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉसक्शन एरिया तो उसके लिए टेन एचपो माइनस ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर तो बहुत छोटा एरिया हो गया ना उसको मेंट करने के लिए नेक्स्ट वन देख सकते हो जैसे मास की अगर यूनिट देख रही हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स तो मीट्रिक टन आपने सुना होगा टन टन बोलते हैं वन टन टू टन मीट्रिक टन होता है वो तो वन टन इज़ इक्व टू थाउजेंड के जी सो स्टील बार्स को बहुत सारी ज़्यादा हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं व्हीकल का जो वेट होता है वो टन में होता है एटसेट्रा इस तरीके से तो वन क्वांटल वन क्वेंटल जब हम कोई स्पेशली जब हम कोई खाने की चीज़ या फिर राशन वगैरह लेते हैं तो उसके लिए तो हंड्रेड किलोग्राम होता है ठीक है ग्रीनस वगैरह के लिए ना नेक्स्ट वन एक और है प्रैक्टिकल वैल्यू पाउंड किसके लिए मास के लिए तो ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव फोर के जी ये हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी की जो हम वेट बताते हैं वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना होता है मतलब पाउंड्स में हम बताते हैं मतलब ज़्यादातर कहीं पर तो वो है हमारे पास ये हो गया तो वन पाउंड होता है जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर के जी इसी तरीके से वन लग जो है फोर्टीन पॉइंट फिफ्टी नाइन के जी जो होता है क्रॉप्स में जो हम लेते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वन देख सकते हो तो ये है हमारे पास मेजरिंग मास तो वन चंद्रशेखर लिमिट वन चंद्रशेखर लिमिट जो है वो हमारे पास वन पॉइंट फोर इंटू द मास ऑफ सन तो मास ऑफ सन हम अप्रॉक्स टू इंटू टेन डिज पावर थर्टी uh, के लेते हैं जिसको हम सोलर मास भी बोलते हैं ना टू इंटू टेन एच पावर थर्टी के जी वन सोलर मास बोलते हैं इसको है ना तो उसका वन पॉइंट फोर होता है ये मल्टीप्लाई तो टू पॉइंट सेवन एट फाइव इंटू टेन एच पावर थर्टी के जी अप्रॉक्स इट इज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास मतलब मास को यूज़ करने का सबसे बड़ा यूनिट है मैसे ब्लैक होल्स ब्लैक होल्स का या फिर उससे बड़े स्टार्स का Uh, उसके जैसे स्टार्स को हम देखते हैं इस मास में नेक्स्ट वन अब मास मेजरमेंट की स्मॉल यूनिट्स देख सकते हो वन एटॉमिक मास यूनिट वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम ओके तो ऐसा यूनिट सिस्टम में इसको इस तरीके से वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन क्लियर और इसका जो होता है वो वैल्यू होता है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन एज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये वेट मास है उसका इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजिंग मास ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आप देखते ही हो ए एम यू भी लिखते हैं ना इसको एटॉमिक मास यूनिट को तो हम मास मेजरमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए हम करते हैं इट इज़ यूज टू मेजर द मास ऑफ अ सिंगल एटम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट वन सम प्रैक्टिकल वैल्यूज फॉर द टाइम मेजरमेंट वन सोल सोलर डे हो गया ट्वेंटी फोर आवर्स तो वन सोलर डे जो है हमारे पास ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है वन सीड्रल डे ट्वेंटी फोर आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट्स वन सोलर ईयर थ्री सिक्सटी फाइव सोलर डेज और थ्री सिक्सटी सिक्सल डेज ओके वो आपको पता ही है वन लूनर मंथ इज इक्व टू द ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सोलर डेज होता है और वन शेक इज इक्व टू टेन रिस्ट माइनस एट सेकेंड्स ओके ये स्मॉलेस्ट यूनिट ये सब कुछ हमारे पास टाइम के बारे में हो गया क्लियर उसकी बात है हम किसी चीज़ का मतलब किसी डायमीटर ऑफ मून यानी मून का डायमीटर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं और से तो क्या मेथड है तो लेट मून बी एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डायमीटर डी ये रहा है ना लेट ई बी द पॉइंट ऑन अर्थ सर्फेस अ टेलीस्कोप इज़ फोकस्ड ऑन द मून सर्फेस एंड इट्स इमेज इज ऑब्जॉर्व शॉन इन फिगर इन इज मेजर एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ सर्फेस यहाँ से हम मतलब कोई लैब है मान लो दिल्ली में कोई लैब है जहाँ से हम टेलीस्कोप से उसको देख रहे हैं और ये जो है ये डिस्टेंस होगी अर्थ और सन मून के बीच में है ना तो यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो हमें क्या करना है द डायमीटर ए बी ऑफ मून इज़ कंसिडर एज द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस एस ओके तो डायमीटर ए बी जो है वो हमने कंसिडर कर लिया एक सर्कुलर आर्क है ऑफ़ रेडियस एस है ना तो ये आ गया हमारे पास तो हमने क्या करना है डायमीटर ऑफ द मून कैन बी फाउंड बाय नोइंग क्यू एंड एस ओके तो हम क्या करेंगे डायमीटर जो है उसको इसके दोनों पॉइंट्स पर हम यहाँ से टेलीस्कोप से फोकस करेंगे और फोकस करने के बाद जो ये एंगल क्रिएट होगा ठीक है मतलब कितना एंगल से ये रोटेट हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है हमारा रोटेट हुआ वो नोट कर लेंगे क्लियर पहले इस पॉइंट को देखेंगे ओके और फिर इस पॉइंट को देखेंगे तो जितना रोटेट होगा वो एंगल मेजरमेंट हो जाएगा दब फॉर्मूला होल्ड्स होल्ड गुड ओनली इफ एस इज लार्ज एंड डी कैन बी कंसिडर एज द स्मॉल आर्क ऑफ रेडियस एस ओके तो वो जो बात कह रहा है देखो ये जो डिस्टेंस है है ना तो हमने क्या किया है कि ये तो एक ट्राइंगल बन गया एक तरीके से है ना यूँ एक ट्राइंगल बन गया लेकिन ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन ये बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा आर्क है है ना ये बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा आर्क है हम ये मान सकते हैं तो सेंटर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समझ रहे हो एक चीज़ को कि जैसे मान लो कि हम अर्थ है अर्थ एक स्पेयर है पूरा लेकिन हम भी अर्थ के ऊपर कहीं खड़े हैं तो हम दूर तक देखते हैं तो वो स्ट्रेट लगती है क्योंकि इतना बड़ा स्पेयर है कि हमारे पास छोटा सा उसका पार्ट जो है वो एफ्रॉक्स क्या होगा स्ट्रेट कंसिडर होगा है ना तो इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया तो इसको हम एक आर्क मान सकते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेडियस ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी और ये एंगल है तो एंगल इज इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क अपॉन रेडियस तो आर्क अप्रॉक्सीमेट एस आ जाएगा और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी डी हो जाएगी तो यहाँ से हमने डायमीटर कैलकुलेट करना है तो डी इज इक्वस टू एस अपॉन थीटा और थीटा शुड बी इन रेडियन क्योंकि ऐसा यूनिट में चलेंगे है ना एस इन मीटर्स क्लियर इस तरीके से हम कर सकते हैं तो इसको पैरलेक्स मेथड बोलते हैं तो ये यहाँ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पैरलेक्स मेथड तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ बाय द पैरलेक्स मेथड इसको हम पैरलेक्स मेथड बोलते हैं तो ये अब डिटर्मिनेशन ऑफ मून देख रहे हैं हम कहाँ से डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ मतलब हम अर्थ से मून का डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो पैरलेक्स मेथड में हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लिया है ना ठीक है तो एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लिया और हमने क्या किया उसके आगे एक पेंसिल रखी हमारी दोनों आईज यानी नोज़ के बिल्कुल सामने हमने एक पेंसिल रखी सबसे पहले एक लेफ्ट आई से हमने उसको देखा ओके राइट आई को क्लोज करके और फिर राइट right आई को ओपन करके और लेफ़्ट राइट को क्लोज करके हमने राइट right आई से उसको देखा तो दोनों के बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा है ना तो दैट एंगल इज़ नॉन एज़ पैरलेक्स एंगल इसको हम क्या बोलते हैं पैरलेक्स एंगल बोलते हैं और ये जो है हमारे पास ये रेडियस हो जाएगी और दोनों आइस के बीच का डिस्टेंस हमें पता है एक्स तो एक्स अपॉन आर आ जाएगा है ना तो ये हमारे पास हो गया तो आर्क अपॉन रेडियस अगर डिस्टेंस हम इतनी बढ़ा दें तो अप्रोक्स हम इसको बहुत बड़े सर्कल का क्या मान सकते हैं आर्क मान सकते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस ये पैरलेक्स मैथड है तो हमने लास्ट टॉपिक में भी इसको यूज़ किया था तो अब देखो इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं तो हमने क्या किया अर्थ सरफेस पे दो प्लेसेस ले लिए एक प्लेस यहाँ पर और एक प्लेस यहाँ पर है ना तो हमने दो प्लेसेस मान लो एक बैंगलोर में एक दिल्ली में हमने मेज़रमेंट किया और मून का एक पॉइंट फिक्स कर लिया जहाँ पर हम इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले दिल्ली से फिर बैंगलोर से देखा तो जैसे ही हमने दिल्ली से और बैंगलोर से दोनों साइड से देखा तो उसमें कुछ एंगल क्रिएट हुआ तो वो एंगल हमें नहीं पता हम ऐसे सिंपली मेज़रमेंट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे हम एक पैरल लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पर और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये थीटा वन मान लेते हैं और ये थीटा टू मान लेते हैं क्लियर तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों का सम होगा कैसे होगा क्योंकि हम इसके पैर लाइन अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये थीटा वन टू बनेगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है है ना और ये भी एक अल्टरनेट एंगल है तो ये थीटा टू बनेगा तो थीटा वन प्लस ठीठा टू इज इक्वस टू ठीठा तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ठीटा टू ठीठा वन प्लस टू पैरलेक्स एंगल आ जाएगा ना तो ये जो नो ठीठा वन और ठीठा टू है ये हम बिल्कुल कर सकते हैं पहले हम इससे बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे और फिर मून को देखेंगे तो ये जितने एंगल से ये हमारा टेलीस्कोप रोटेट होगा वो ठीठा वन आ जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम करेंगे ओके तो ये दोनों मेजरमेंट्स हो जाएंगे फिर उसके बाद आर्क अपॉन रेडियस तो हमारे पास है ही पैरालेक्स मैथड से तो आर्क कितना बना आर्क जो कि हमारा ये डिस्टेंस हुआ डायरेक्ट है ना तो अप्रोक्सीमेट बहुत बड़ा अर्थ है तो इतने छोटे से डिस्टेंस को हम स्ट्रेट मान सकते हैं तो दिल्ली से बेंगलोर तक की डिस्टेंस हमें पता है तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा और थीटा हमने निकाल ही लिया तो इसको पुट करके यू कैन इजिली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ क्लियर तो यही मेथड हम और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ओके सिंपली पैरलेक्स मेथड सो दीज आर दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मेजरमेंट एंड यूनिट चैप्टर ओके इन विच वी ओनली रीड अबाउट द मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स ओके तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डायमेंशंस को रीड करेंगे सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस एक्सप्लेनेशन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और इन गूगल क्लासरूम और इन व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू बेटा